हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, मैं फिर आया हूँ आज सेकेंड वीडियो के साथ। जो हमारा लेसन चल रहा है क्लास 4 एनवायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर 10, उसकी आज हम सेकेंड वीडियो कर रहे हैं, द लेसन हुत्तुत्तु। सो बेसिकली ये जो लेसन है कबड्डी के ऊपर है, जिसे बहुत सी जगह हुत्तुत्तु बोला जाता है और बहुत जगह कुछ कुछ और बोला जाता है। सो पहले हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो गर्ल हैं उन्हें कबड्डी खेलना इतना अलाउ नहीं किया जाता है विलेजेस में, और उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है खेलों को खेलने के लिए, क्योंकि कबड्डी एक रफ़ गेम है। रफ़ गेम मतलब कठोर गेम है, जिसमें चोट लगने की चांसेस होते हैं। लेकिन लड़कियों ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे कबड्डी की तरफ बढ़ती गई और अच्छा प्रदर्शन करती गई। कुछ इस तरह की हमने पढ़ा है फर्स्ट वीडियो में। सो सेकेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। कर्णव मलेश्वरी, ये स्टोरी कर्णव मलेश्वरी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर्स? जो ये लड़की है, गर्ल है, क्या आपने इनके बारे में कहीं देखा है या पढ़ा है न्यूज़पेपर्स में? कर्णव मलेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर। कर्णव मलेश्वरी क्या है? एक वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर कौन होता है बच्चों? जो वज़न उठाता है, वज़न उठाने की प्रतियोगिता कि कौन ज़्यादा वज़न उठा सकता है, जो ज़्यादा वज़न उठाता है वो जीत जाता है। तो इस तरह की प्रतियोगिता को वेट लिफ्टिंग बोला जाता है। सी लिव्स इन आंध्र प्रदेश। जो कर्णव मलेश्वरी है वो आंध्र प्रदेश में रहती हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन किया था कि आंध्र प्रदेश साउथ का एक राज्य है, जिसकी राजधानी क्या है बताइए? हैदराबाद। हर फादर इज़ अ पुलिस कांस्टेबल। उसके जो पापा हैं वो एक पुलिस कांस्टेबल हैं, जो पुलिस में काम करते हैं कांस्टेबल पद पर। मलेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन सी वाज 12 इयर्स ओल्ड। जो मलेश्वरी हैं, जब वो 12 साल की थी ना, तब से उन्होंने इस गेम का चयन किया और तब से वो वज़न उठा रही हैं। नाउ सी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम्स। अब वो 130 किलो वज़न तक वज़न उठा सकती हैं। लेकिन जब वो शुरू में होगा बेटा, उन्होंने तब तो उतना वेट नहीं उठाया होगा ना। कर्णव हैज़ वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स। इंटरनेशनल इवेंट्स का मतलब है जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल खेले जाते हैं, उनमें लगभग 29 मेडल्स कर्णव मलेश्वरी वेट लिफ्टिंग में जीत चुकी है। हर फोर सिस्टर्स ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग। बाकी जो उसकी चार सिस्टर्स हैं वो भी अब प्रैक्टिस करती हैं वेट लिफ्टिंग में अपना भविष्य बनाने के लिए। सो जैसा कि आपने देखा, कर्णव मलेश्वरी एक गर्ल है जिन्होंने आगे बढ़कर एक काम किया और वेट लिफ्टिंग में भारत देश का नाम रोशन किया। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि जो गर्ल हैं वो लड़कों से पीछे नहीं हैं और वो भी हर खेल खेल सकती हैं और आगे बढ़कर जीत सकती हैं और देश का नाम ऊंचा कर सकती हैं। अ स्टोरी ऑफ थ्री सिस्टर्स। लुक एट दिस फोटोग्राफ। बेटा इस पिक्चर को देखिए, जिसमें थ्री लेडीज आप देख पा रहे हैं। डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स? नहीं लगती हैं ये बिल्कुल साधारण दादी या नानी की तरह? मुझे देखने पर तो ऐसा ही लग रहा है। बट दे आर डिफरेंट। लेकिन ये डिफरेंट हैं, ये साधारण नहीं हैं। द पिक्चर इज ऑफ द थ्री सिस्टर्स ज्वाला, लीला एंड हीरा। जो ये पिक्चर है ये तीन बहनों की है, जिसमें कौन है? ज्वाला है, लीला है और हीरा है। दे लिव इन मुंबई। ये मुंबई में रहती हैं। ऑल थ्री ऑफ देम प्लेड कबड्डी। ये तीनों की तीनों ही सिस्टर्स जो थी कबड्डी खेलती थी। एंड टॉट द गेम टू अदर्स। बाकी को टॉट मतलब क्या होता है? सिखाना। जैसे टीच की पास्ट फॉर्म है टॉट। ये बाकी को कबड्डी सिखाती थी। ज्वाला टेल्स, व्हेन वी वर यंग गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम। जब वो छोटी थी तो लड़कियों को अलाउड मतलब अनुमति नहीं मिलती थी गेम खेलने की। पीपल थॉट
दैट इफ गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम्स नोबडी वुड मैरी देम। पीपल मतलब लोग सोचते थे कि अगर लड़कियां इस तरह के कठोर गेम खेलेंगी तो उनसे कोई भी शादी नहीं करेगा। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल गर्ल है और एक गेम बॉक्सिंग का इन्होंने खेला है और उसमें इन्हें इंजरी लग गई है। सो रफ गेम वो गेम होते हैं जिनमें चोट लगने की उम्मीद रहती है, जैसे कि कबड्डी हो गया, रेसलिंग हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया और खो खो में तो नहीं है, सॉरी कबड्डी में भी चोट लगने के चांस रहते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं नॉर्मल और फिर इंजरी, इन्हें चोट लग गई है। सो लोग इसलिए लड़कियों को नहीं खेलने दिया देते थे कि अगर उन्हें चोट लग गई तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। दे ऑल्सो सेड दैट द गर्ल्स हैड टू वियर बॉयज़ क्लोथ्स टू प्ले कबड्डी। वो ये भी कहते थे कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों जैसे कपड़े पहनती हैं तो हम इसलिए भी नहीं खेलने दे सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इन फोटोज़ में बेटा, इन गर्ल्स ने क्या है, हाफ पैंट पहना हुआ है। सो विलेज के जो पर्सन्स थे या गांव के जो लोग थे वो इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते थे कि जो गर्ल हैं वो लड़के जैसे कपड़े पहने। दैट इज़ वाई दे स्टॉप्ड गर्ल्स फॉर प्लेइंग। ये कुछ कारण हैं जिनको कारण वो लड़कियों को खेलने से रोकते थे। पर क्या आपके हिसाब से ये सब कुछ सही था? क्या इन कुछ कारणों के कारण लड़कियों को खेलने से रोकना चाहिए हमें? आप बताइएगा ज़रूर। द सिस्टर्स वर यंग वैन देयर फादर डाइड। जब ये बहनें छोटी थी तब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। देयर मदर एंड मामाज का मीनिंग होता है मैटरनल अंकल, ब्रॉट देम अप। उनकी मम्मी ने और उनके मामा ने उन्हें पाला। मैटरनल अंकल होते हैं मदर की साइड वाले अंकल, पैटर्नल अंकल होते हैं पापा की साइड वाले अंकल। पैटर्नल हो गए आपके पिताजी के ब्रदर एंड मैटर्नल अंकल हो गए आपकी मदर के ब्रदर। सो पैटर्नल रिलेटिव्स होते हैं जो पापा की तरफ वाले रिश्तेदार होते हैं, मैटर्नल्स होते हैं जो माँ की तरफ वाले होते हैं। सो उनकी मम्मी ने और मामा ने उनको पाला। बोथ अंकल्स यूज टू प्ले कबड्डी एंड खो खो। जो उनके मामा थे वो दोनों ही क्या थे, खो खो और कबड्डी खेलते थे। दे एनकरेज द थ्री गर्ल्स टू प्ले कबड्डी। एनकरेज मतलब होता है उत्साह बढ़ाना, मोटिवेट करना। तो उन्होंने ही तीनों लड़कियों को मोटिवेट किया कबड्डी खेलने के लिए। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस। जो ज्वाला और लीला है वो बात कर रही थी अपने एक्सपीरियंस के बारे में। ऑलमोस्ट 50 ईयर्स एगो, लगभग 50 साल पहले। व्हेन वी स्टार्टेड टू प्ले कबड्डी, जब उन्होंने शुरू किया कबड्डी खेलना। गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू प्ले दिस गेम, मतलब गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू प्ले दिस गेम, मतलब लड़कियों को ये मौका नहीं मिलता था इस तरह के गेम खेलने का या कबड्डी खेलने का। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम। पेरेंट्स उन्हें यह गेम नहीं खेलने देते थे, जैसा कि मैंने कुछ रीजंस आपको बताए कि बॉयज़ जैसे कपड़े पहनना या रफ गेम है जिसके कारण चोट लगना। इनके अलावा भी मैनी रीजंस होते हैं जो इन कारणों से नहीं खेलने दिया जाता होगा, बट आज के टाइम में वो सभी रीजंस वैलिड नहीं हैं क्योंकि लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं हैं और उन्हें भी पूर्ण मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। बट वी ऑलवेज felt that we should play and my uncle and mother supported us। मतलब वो कह रही थी लेकिन हमें हमेशा ऐसा फील होता था कि जो हमारे अंकल हैं, अंकल्स हैं, मामा हैं जो, और हमारी मदर है, वो हमेशा हमें सपोर्ट करते थे। We three learned the game and some other girls also joined us। हम तीन लड़कियां सीखती थी लेकिन कुछ हमारे अलावा भी कुछ और लड़कियों ने हमें ज्वाइन कर लिया। मतलब जब वो सीखती थी तो हमें भी ज्वाइन कर लिया। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं बेटा, ये लेडी कोच है, ये लेडी कोच है जो गर्ल्स को कबड्डी सिखा रही है। सो
इसी तरह आज क्या होंगी, लीला, ज्वाला और हीरा। सो तीन मतलब कुछ लड़कियों ने और भी ज्वाइन कर लिया। वी फॉर्म्ड अ कबड्डी क्लब विच इज़ एक्टिव इवन टूडे। फिर हमने क्या किया, एक कबड्डी क्लब क्या किया, कबड्डी का एक क्लब बना दिया। कबड्डी का क्लब का मतलब है कि उस क्लब में आकर कोई भी खेल सकता था और उस क्लब के लिए काम कर सकता था, और वो क्लब आज भी चल रहा है। सो किन्होंने बनाया था, ज्वाला, लीला एंड हीरा ने ये इस प्रकार का क्लब बनाया। रिमेम्बरिंग दोज डेज, क्या आप लोगों को याद हैं वो दिन, या याद आए वो दिन। लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस। लीला और हीरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जब वो अपने मैचेस के बारे में बता रही थी। दे टेल हाउ दे वॉन सम मैचेस, उन्होंने बताया कि हम किस तरह कुछ मैचेस को जीते, विच दे वर अबाउट टू लूज, जिन्हें वो लॉस मतलब होता है एक तरह से हारना, तो जिन्हें वो लगभग हारने ही वाले थे उनको भी वो किस तरह से जीते। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल, मतलब ये सब कुछ पॉसिबल हुआ, मतलब ये सब कुछ जीत पाई वो लड़कियां अपनी इच्छा शक्ति के कारण। स्ट्रॉन्ग विल मतलब अपनी इच्छा शक्ति कि हम नहीं हारेंगे, कोशिश करते रहेंगे। ड्यूरिंग दोज मैचेस सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपेंड, मतलब जब वो मैच हुए थे उन मैचों के दौरान कुछ बहुत ही अच्छी घटनाएं हुई। वंस दे हैड टू गो टू अ डिफरेंट टाउन फॉर अ बिग मैच, एक बार वो अलग टाउन दूसरे जगह गए मैच खेलने के लिए। बट जैसा कि आप देख रहे हैं ये इंडियन गर्ल्स हैं जो इंडियन यूनिफॉर्म पहन रखी है, और ये कबड्डी टीम है। फैक्ट्स अबाउट इंडियंस वोमेन नेशनल कबड्डी टीम, ये भारत देश की कबड्डी टीम का फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि लड़कियाँ पीछे नहीं हैं, वो हर कदम पर पुरुषों की तुलना में पुरुषों की बराबर हैं, ठीक है। सो वो बता रहे हैं कि एक बार एक टाउन में, डिफरेंट टाउन में वो खेलने गई। लीला टेल्स द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द इवनिंग, शाम को 6:30 पर क्या था, मैच शुरू होने वाला था। वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock, लेकिन हम मूवी देखने चले गए जिसकी टाइमिंग क्या थी, 3 बजे से 6 बजे तक। तो उन्होंने बेसिकली सोचा होगा 6:30 बजे का मैच है 6:30 का, तो 6:30 तक पहुंच जाएंगे। वी थॉट वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर द मैच, उन्होंने सोचा कि बाकी जो समय होगा मतलब मूवी ख़त्म होने के बाद वो अपने टाइम पर मैच में पहुंच जाएंगी। एज सून एज द मूवी स्टार्टेड, जैसे ही मूवी शुरू हुई, वी नोटिस्ड सम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस, नॉइज मतलब होता है शोर और डिस्टर्बेंस मतलब भी होता है किसी कारण प्रॉब्लम आना। सो उन्होंने क्या किया, नोटिस किया मतलब उन्होंने सुना नॉइज एंड डिस्टर्बेंस। इट वॉज क्रिएटेड बाई आवर मामा, वो जो नॉइज था और डिस्टर्बेंस था वो किसके द्वारा हो रहा था, उनके मामा के द्वारा। हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विथ अ टॉर्च, जैसे कि आप हॉल में, ये हॉल की पिक्चर है। सो वो उनके मामा हॉल में आ गए और टॉर्च से सब जगह लीला और उन ज्वाला को ढूंढ रहे थे। वेन ही फाउंड अस, जब उन्होंने हमें ढूंढ लिया, ही गेव अ बिग स्कॉल्डिंग राइट देयर इन द सिनेमा हॉल, उन्होंने स्कॉल्डिंग मतलब होता है डांटना, उन्होंने हमें उसी समय सिनेमा हॉल में बहुत अच्छी तरीके से डांटा। द सिस्टर्स हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़, जो सिस्टर्स हैं हमारी बहनें, उन्होंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस की बिकॉज ऑफ कबड्डी, कबड्डी के कारण। डिफ़िकल्टीज़ मतलब होता है मुश्किलें। बट दैट डिड नॉट रेड्यूस देयर फन, लेकिन वो कबड्डी के मज़ा को, रेड्यूस मतलब होता है कम, कबड्डी के मज़ा को कम नहीं कर पाई वो मुश्किलें, जो डिफ़िकल्टीज़ थी कबड्डी के मज़ा को कम नहीं कर पाई। हीरा द यंगेस्ट सिस्टर,
जो हीरा है उन तीनों बहनों में, ज्वाला, लीला और हीरा में सबसे छोटी है, बिकम अ कबड्डी कोच, वो कबड्डी कोच बन गई हीरा। सी विशेज दैट चिल्ड्रन लाइक यू शुड एन्जॉय एंड प्ले मैनी गेम्स, स्पेशली कबड्डी। सो जो ये बहनें थी ये चाहती थी कि जो बच्चे हैं वो कोई एक खेल का आनंद ज़रूर लेना चाहिए, कि बच्चे जो हैं और खेलों का आनंद ज़रूर लेना चाहिए, और स्पेशली वो कहती थी कबड्डी का आनंद तो ज़रूर ही लेना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं लेडी कोच है फिर से, और वो कबड्डी बच्चों को सिखा रही है। सो द टाइम ऑफ सम क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हैव यू लर्नड एनी गेम फ्रॉम अ कोच, विच वन, क्या आपने कभी कोई खेल कोच के द्वारा सीखा है, अगर सीखा है तो कौन सा। सेकंड है, डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज़ लर्नड एनी गेम फ्रॉम अ कोच, क्या आप किसी को जानते हैं जिसने कोई भी खेल किसी कोच को द्वारा सीखा हो। सो बेसिकली जैसे कि आप देख रहे हैं कोच यहाँ पे खड़े हैं, ये मेल एंड फीमेल कोच हैं जो बच्चों को कबड्डी कबड्डी सिखा रहे हैं। सो डू योर सेल्फ, ये क्वेश्चंस आपको अपने द्वारा ही करने हैं। नाउ नेक्स्ट डिस्कस, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। हाउ डज अ कोच टीच, जो कोच है किस तरह से सिखाता है। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया है, कोच वो व्यक्ति होता है जो प्लेयर्स को अच्छे तरीके से खेलने का सही तरीका और ट्रिक्स बताता है। हाउ डज अ कोच मेक अ प्लेयर प्रैक्टिस, जो कोच होता है किस तरह से खिलाड़ियों को अभ्यास कराता है, प्रैक्टिस कराता है। हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर्स हैव टू वर्क, प्लेयर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपको पता है बहुत प्रैक्टिस के बाद जब जाके कोई एक अच्छा प्लेयर बन पाता है। सो जो बेटा मैं अपने आंसर्स दे रहा हूँ, दीज आर माई पॉइंट ऑफ व्यूज़, अदरवाइज आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी आंसर्स में लिख सकते हैं। सो अ कोच इज़ अ पर्सन हु टीच द प्लेयर्स अबाउट द ट्रिक्स ऑफ द गेम। कोच एक ऐसा व्यक्ति होता है जो खिलाड़ियों को सिखाता है खेल की ट्रिक्स के बारे में। ट्रिक्स क्या होती हैं, सही तरीके कि आप किसी खेल को किस तरह से जीत सकते हैं। जैसे क्रिकेट ही हो गया, तो क्रिकेट में बताया जाता है ना, आपको बैट को इस तरह से घुमाना है तब जाके एक अच्छा शॉट लग पाएगा। या जो फील्डर होता है उसका कोच होता है, वो बताता है कि आपको बॉल को किस तरह से कैच करना है, अगर बॉल दूर हवा में उड़ रही तो आपको कितनी तेज़ी से भागकर वहां पर पहुंचना होगा। एंड द कोच ऑल्सो एनकरेज द प्लेयर्स एंड ट्रेन्स देम, जो कोच है ही ऑल्सो एनकरेज द प्लेयर्स एंड ट्रेन्स देम, वो उनको उत्साह भी बढ़ाता है। एनकरेज मतलब होता है उत्साह बढ़ाना, और ट्रेन्स मतलब सिखाना। टू लीन द गेम मैथडिकली, मैथडिकली का मतलब होता है विधिपूर्ण या सही तरीके से सिखाना। जैसे टीचर्स आपको सही तरीके से पढ़ाते हैं ना, उसी तरह गेम के भी सही तरीके होते हैं। प्लेयर्स हैव टू प्रैक्टिस एंड वर्क हार्ड ऑन अ डेली बेसिस फॉर लॉन्ग आवर्स, जो प्लेयर्स होते हैं ना उन्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, दिन में या किसी भी समय उन्हें बहुत ज़्यादा घंटे की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग अ क्लब फॉर योर फेवरेट गेम, क्या आपने कभी सोचा है बच्चों कि जो आपका खेल है, जिस खेल को आप खेलते हैं, उसका भी कोई एक क्लब बनाया जाए, कभी आपने सोचा है। क्लब का बेसिकली काम क्या होता है कि जो आपके आसपास में लोग हैं उस खेल को मोटिवेट करना, बढ़ावा देने के लिए क्लब क्रिएट किया जाता है। इमेजिन दैट देयर आर 50 चिल्ड्रन टू प्ले खो खो, मान लो 15 बच्चों को दो टीमों में बांटकर खो खो खेलना है। दे मस्ट फॉर्म टू टीम्स विथ इक्वल नंबर्स 7 each, दोनों टीमों में सात सात खिलाड़ी जरूर होने चाहिए, और टोटल खिलाड़ी कितने हैं दोनों में मिलाकर 15, लेकिन एक टीम में कितना होना चाहिए 7। देन वन प्लेयर विल बी लेफ्ट, अगर एक टीम में 7 होगा दूसरी में 7 होगा, तो
तभी तो इक्वल होंगे ना। सो 14 प्लेयर्स हुआ, लेकिन हमारे पास टोटल प्लेयर्स थे 15, सो एक प्लेयर बच जाएगा। व्हाट विल यू डू इफ़ दिस हैपन्स, क्या होगा अगर एक प्लेयर एक्स्ट्रा हो जाए या इस प्रकार के आपके साथ कभी हो। हैव यू एवर बिकम द एक्स्ट्रा पर्सन इन द मिडल, राइट अबाउट दिस। क्या तुम कभी बीच के बिच्छू बने हो, बीच का बिच्छू कहा जाता है कि आप बीच वाले खिलाड़ी बने हैं कि आप दोनों टीमों में खेलने का मौका आपको मिल जाए, जैसा कि क्रिकेट है तो आपसे कहा जाएगा कि आप दोनों तरफ से बैटिंग लेंगे या एक तरफ फील्डिंग करेंगे या एक तरफ जो भी है। बीच का बिच्छू होता है कि दोनों तरफ वो खेलता है। क्या कभी आप ऐसा बने हो या एक्स्ट्रा प्लेयर बने हो कभी आप? अगर बने हो तो आपको लिखना है। एवरी गेम हैज सम रूल्स, हर गेम के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। द गेम इज प्लेड अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स, जो गेम है उन रूल्स के तहत ही खेला जाता है। जैसे कि आपको रोड पर जाना है तो रेड लाइट होती है ना, रेड लाइट का कुछ मतलब होता है कि अगर रेड लाइट हो रखी है तो आपको क्रॉस नहीं करना है रोड। सो इसी तरह गेम्स के भी कुछ रूल होते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ द रूल्स आर चेंज्ड, अच्छा देखते हैं क्या होगा अगर खेलों के जो रूल्स हैं उन्हें बदल दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए इन क्रिकेट, क्रिकेट का हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अ बैट्समैन गेट्स आउट इफ़ द बॉल्स फॉल ऑल द स्टम्प्स, बेल्स क्या होती है बेटा, स्टम्प्स जो होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। द क्रिकेट अ बैट्समैन गेट्स आउट इफ़ द बेल्स फॉल ऑफ द स्टम्प्स, जैसा कि बेटा आप देखते हैं कि इस तरह का स्टम्प्स होता है बेसिकली क्रिकेट में, ये होती हैं बेल्स जो इसके ऊपर ये होता है, ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है, स्टम्प्स। सो क्या रूल है कि अगर ये स्टम्प्स या बेल्स गिर जाती हैं तो प्लेयर क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। तो इमेजिन करना है, इमेजिन इफ देयर इज़ अ रूल दैट द एंटायर टीम विल बी आउट इफ ऑल द 3 स्टम्प्स फॉल। अगर सोचो अगर ऐसा रूल हो कि अगर तीनों स्टम्प्स एक बार में गिर गए तो पूरी टीम आउट हो जाएगी, वुड इट बी फन, क्या मज़ा आएगा। देखो कैसा होगा कि अगर तीनों स्टम्प्स एक बार में गिर गई पूरी टीम आउट हो जाएगी, कितना अजीब लगेगा, है ना। ट्राई एंड प्ले द गेम विद दिस रूल, आपको अगर कभी मौका मिले तो आपको इस तरह का रूल के साथ गेम खेलना है। सिमिलरली मेक सम रूल्स फॉर अदर गेम्स एंड प्ले, कुछ इस तरह के ही आपको रूल और बनाने हैं, फनी रूल्स जिनसे गेम बिल्कुल अजीब हो, और बाद में देखिए कि जो रियल रूल्स होते हैं वो अच्छे हैं या आपने जो बनाए हैं उनके कारण क्या क्या चेंजेस हुए हैं या कुछ बदलाव आया है। और आपको देखना है क्या जो आपने चेंजेस किए क्या उसमें मज़ा आया। जस्ट सोचिए क्या ऐसा रूल हो कि अगर बॉल को हाइट से ज़्यादा मार दिया तो प्लेयर आउट हो जाएगा। सो आप कुछ इस तरह के रूल्स आपको बनाने हैं और गेम खेलना है। सो लेसन हमारा कंप्लीट होता है, बाय बाय, आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। बेसिकली आपको भूलना नहीं है बच्चों, आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जो मैं वीडियो बनाता हूँ आपके पास वो सबसे पहले पहुँच जाएगी, और शेयर करने से जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो भी ये लेसन अच्छे से पढ़ पाएंगे। ओके, बाय बाय।